क्वेश्चन नंबर 11 जो है आज देख रहे हैं, 11 में आपको एक fx दे दिया है कि एक्स क्यूब माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसमें कंडीशन है कि एक्स छोटा या बराबर होगा 2 से, इसमें कंडीशन है कि एक्स बड़ा होगा 2 से। तो हमें यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर सारा काम करना है, यानी 2 पॉइंट पर ही हमें जांच करना है इसका कंटिन्यूटी। LHL निकालिए, LHL का फॉर्मूला बोलिए। लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 माइनस एच, एक्स टेंस टू 2 माइनस एच का मतलब हो गया 2 से छोटा, एक्स छोटा है 2 से यहाँ पर ना है, इसीलिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस थ्री, वो इस जगह पर हम एफ एक्स के जगह पर प्लेस करेंगे। 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा, तो एक्स छोटा है 2 से यहाँ पे है, इसीलिए इसका जो संगत फलन है ये एक्स क्यूब माइनस थ्री, वो हम एफ एक्स के जगह पर रखे हैं। अब क्या करते हैं, एक्स जहाँ टेंस कर रहा है, जैसे एक्स टेंस कर रहा है कहाँ पे, 2 माइनस एच के पास, तो 2 माइनस एच का वैल्यू एक्स के जगह पे हमें डालना है। तो लिखेंगे लिमिट 2 माइनस एच का क्यूब माइनस थ्री, तो जो ही एक्स का वैल्यू 2 माइनस एच यहाँ पर डालेंगे आपको एच टेंस टू 0 लगाना है। या तो इसको सॉल्व करके भी आप एच का मान डाल सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे में तो कोई टर्म आपको है नहीं। तो h का वैल्यू अगर 0 डाल दें तो यहाँ 2 क्यूब बचेगा, 2 क्यूब माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 यानी कि ये 5 हो गया। LHL जैसे निकाले हैं वैसे ही आपको RHL भी निकालना है। तो RHL का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 2 प्लस h। तो एक्स टेंस टू 2 प्लस एच का मतलब हो गया 2 से बड़ा। अब देखिए एक्स बड़ा है 2 से यहाँ पर है, इसीलिए इसका जो संगत फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो हम एफ एक्स के जगह पर लिखते हैं। 2 प्लस एच, 2 प्लस का मतलब हो गया 2 से बड़ा, इसीलिए कंडीशन पकड़ना है एक्स बड़ा है 2 से वाला, और इसका जो संगत फलन है, संगत फंक्शन है, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन, वो हम इस एफ एक्स के जगह पर आपको डाल देंगे। अब x जहाँ पर टेंड कर रहा है 2 प्लस एच, तो ये वैल्यू x के जगह पर डालेंगे तो 2 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। जो ही x का वैल्यू x के जगह पर डालते हैं इसके बाद आपको h टेंस टू 0 लगाना है। तो जब h का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये 2 स्क्वायर प्लस 1 होगा, यानी 4 प्लस 1 आपको 5 हो जाएगा। और लास्ट में एफ ए निकालना है, यानी एफ टू निकालना है। तो एफ टू का मतलब हो गया अब इक्वल टू खोजिए। यहाँ पर देखिए एक्स छोटा और नीचे में ये लाइन दिया हुआ, ये लाइन किसका लाइन होता है, ये बराबर का लाइन होता है। तो चूंकि एक्स बराबर 2 का कंडीशन यहाँ पे है, इसीलिए इसके संगत फलन में, संगत फंक्शन में एक्स के जगह पर हमें 2 डालना पड़ेगा, यानी कि 2 क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। 2 क्यूब 8 माइनस 3 आपको 5 हो जाएगा। तो LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू, FA का वैल्यू तीनों समान हुआ, इसीलिए कंटिन्यूस हो जाएगा। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ टू, इसीलिए यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर संतत होगा। असंतत बिंदु कोई नहीं है, संतत है इसीलिए असंतत नहीं हुआ। आपको आपको ऊपर में ही दिया हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको बताए भी थे कल 6 से लेकर के 12 नंबर तक जो है असंतत बिंदु खोज रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि चूंकि यह फंक्शन पॉइंट एक्स इजिकल टू 2 पर संतत है, तो संतत होने का क्या मतलब हो गया, असंतत नहीं है, डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर कोई भी असंतत बिंदु नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखा जाए, इसमें एफ एक्स आपको दिया हुआ है 3, 4, 5, इसमें कंडीशन है कि x 0 से बड़ा या बराबर लेस इक्वल टू 1, इसमें है x बड़ा या बराबर 1 से छोटा है 3 से, इसमें है x बड़ा या बराबर 3 से छोटा या बराबर 10 से, और आपको दिया हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी, यानी फंक्शन का जो कंटिन्यूटी है उस पर आपको विचार करना है, पॉइंट्स आपको कंडीशन से चूज करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 0, 1, 3 और 10, यानी कुल मिलाकर के 4 पॉइंट दे दिया, 0, 1, 3 और 10। लेकिन ये 0 जो आप देख रहे हैं, 0 पर दो ही कंडीशन है, एक्स बड़ा या बराबर है 0 से, और वो दोनों कंडीशन भी आपको एक ही में है, इसलिए 0 पर आपको चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है 1 पे, क्योंकि 1 पर 3 कंडीशन है, एक्स लेस इक्वल टू यहाँ भी दे दिया है, इक्वल टू किसी एक ही जगह होना चाहिए, यहाँ बीच में नहीं है, एक्स लेस इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन 1, तो दो कंडीशन यहाँ पर, एक कंडीशन वहाँ यहाँ पे, तो जिस पॉइंट पर तीनों कंडीशन हो आपको जांच वहाँ करना है। अब देखिए 3 पर देखिए एक कंडीशन यहाँ, एक्स छोटा है 3 से, एक कंडीशन यहाँ पे, और दो कंडीशन है नीचे में, एक्स बड़ा या बराबर है 3 से, तो 3 पर चेक करना है। फिर अगर 10 को देखते हैं तो एक्स छोटा या बराबर है 10 से, 10 से बड़ा वाला कंडीशन तो यहाँ है नहीं, इसीलिए ये जो 0 दिया हुआ है और ये जो 10 दिया हुआ है, 0 और 10 फॉल्स पॉइंट है, इस पर आपको जांच नहीं करना है, आपको मेनली जांच करना है 1 पर 3 पर, 0 और 10 पर जांच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जांच भी करेंगे तो वो कंटिन्यूस होगा, और वो लेफ्ट राइट कंटिन्यूस की हम लोग बात करते हैं, जो कि आप लोग को बताएंगे आगे। फिलहाल यहाँ आपको दो पॉइंट चूज करिए, 1 और 3, तो लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पे आपको LHL निकालना है, फॉर्मूला बोलिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा, 1 माइनस h मीन्स 1 से छोटा। अब देखिए x छोटा है 1 से, यहाँ पे है x लेस देन 1, इसीलिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है 3, वो 3 यहाँ पे डालेंगे, और चूंकि 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पर लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए LHL का वैल्यू आपको 3 हो जाएगा डायरेक्ट। RHL निकालिए, तो ये आपको हो जाएगा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 प्लस h। अब बोलिए एक्स टेंस टू 1 प्लस h का क्या मतलब हो गया, 1 से बड़ा, तो x बड़ा है 1 से यहाँ पे है, x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे है, इसीलिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है ये 4, वो यहाँ पे डालेंगे, और चूंकि ये 4 भी कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो 4 आपको बाहर निकल आएगा। अब देखिए LHL का वैल्यू 3, RHL का वैल्यू 4, क्या ये दोनों बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो आगे FA निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी को देख के कह सकते हैं कि ये 1 पर डिसकंटिन्यूस होगा। लिखेंगे सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, इसीलिए यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस होगा। अगला देखिए पॉइंट देखते हैं, अगेन एट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि दूसरा जो पॉइंट है वो है 3 का, अब 3 पर भी हमें LHL चाहिए, LHL का फॉर्मूला बोलिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 3 माइनस h, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, 3 से छोटा, x छोटा है 3 से, इसका संगत फलन है 4, और 4 चूंकि कांस्टेंट है, इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट, आउटपुट हो जाएगा 4। RHL निकालेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 3 प्लस h, यानी लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस h का मतलब हो गया 3 से बड़ा। अब देखिए यहाँ पे x बड़ा है 3 से, x ग्रेटर देन 3, इसीलिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है 5,
वो 5 यहाँ पर डालेंगे, और चूंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है इसीलिए इसका आउटपुट हो जाएगा 5, इस पर लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 4 और ये 5 क्या दोनों बराबर है? तो आगे बढ़ के एफए निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लिखेंगे सिंस एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल, इसीलिए यह फंक्शन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एफएक्स आपको कितना दिया हुआ कंडीशन सो देखिए, ये 2x है, ये 0 है, ये 4x है, x लेस देन 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। गौर से अगर देखा जाए यहाँ पर दो ही पॉइंट आपको दिख रहा है, 0 और 1। एग्जैक्टली आपको उसी पॉइंट पर काम करना है, पहले 0 पर करते हैं, लिखेंगे एट x बराबर 0, LHL निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 माइनस h। तो 0 माइनस h का क्या मतलब हो गया? 0 से छोटा। कंडीशन खोजिए x छोटा है 0 से, x लेस देन 0, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है 2x वो यहाँ पर डालेंगे। अब x के जगह पर क्या डालें? 0 माइनस h यानी माइनस h डालेंगे तो माइनस 2h हो जाएगा, तो h कहाँ जाएगा? 0 के तरफ। तो जो ही h का मान 0 डालेंगे इसमें सबको 0 कर देगा, समझ गए ना? आरएचएल फार्मूला बोलिए, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस h, तो x टेंस टू 0 प्लस h, तो 0 प्लस h का मतलब हो गया 0 से बड़ा, तो x बड़ा है 0 से यहाँ पे है, x ग्रेटर देन 0, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है यहाँ पर 0 लिख दिया है, यानी यहाँ पे 0 होगा, और 0 कांस्टेंट हो जाता है इसीलिए इस पर लिमिट का इफेक्ट, तो RHL का वैल्यू हो गया 0। एफ ए निकालेंगे अगर एफ 0, अब देखिए इक्वल टू कहाँ पे है, तो इक्वल टू भी तो यहीं पे है, तो x बराबर 0 यहाँ पे है इसीलिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग ये टर्म है 0 वही एफ 0 का वैल्यू होगा, एफ 0 का वैल्यू भी 0। तो तीनों देख रहे बराबर हुआ, LHL RHL के बराबर हुआ और ये एफ 0 के बराबर हुआ, तो कंटिन्यूस ना हो गया ये। तो अगेन एट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पर भी आपको LHL निकालना पड़ेगा। LHL कितना? लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 माइनस h, तो एक्स टेंस टू 1 माइनस h का क्या मतलब हो गया? 1 से छोटा, तो x छोटा है 1 से यहाँ पर ना है, x छोटा है 1 से यहाँ पे है इसीलिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है 0 वो यहाँ पे डालेंगे, और 0 चूँकि कांस्टेंट है इस पर लिमिट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आरएचएल अगर निकालें तो ये होगा लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 प्लस एच, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब हो गया 1 से बड़ा, कंडीशन उठाइए तो x बड़ा है 1 से यहाँ पे है इसीलिए इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन है 4x वो यहाँ पे डालेंगे। अब इसमें x के जगह क्या डालेंगे? 1 प्लस h डालेंगे, 1 प्लस h डालेंगे तो h कहाँ जाएगा? 0 के तरफ। तो जो ही h का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए LHL का वैल्यू 0, RHL का वैल्यू 4, क्या ये बराबर हुआ? अगर ये बराबर नहीं है तो ये होगा डिसकंटिन्यूअस, आगे FA निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं कंटिन्यूटी का, नेक्स्ट वीडियो में जो है टाइप चेंज कर रहा है।
इसलिए आज जहाँ तक बताए हैं यहाँ तक आप लोग एनसीईआरटी के बुक से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। कोई अगर दिक्कत आपको पर्सनली बुझा रहा है तो वो हमें आप कमेंट्स करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा देंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें एवं इस वीडियो को जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।